हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल। और मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू। नाउ ये प्रोडक्ट है हमारा गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड। नाउ आर्गन ऑयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, लाइक ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपके स्किन सेल्स को बूस्ट करता है और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देता है और आपकी स्किन टेक्सचर को बहुत अच्छा बनाता है, आपकी स्किन क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अगर आप आर्गन ऑयल की बात करोगे तो आर्गन ऑयल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है मार्केट में। इसके बेनिफिट्स की वजह से इसका जो कॉस्ट है वो एक हायर एंड में आ जाता है। सो गुड वाइब्स हमारे लेके आया है टू वेरिएंट्स में आर्गन ऑयल के, जैसे आर्गन ऑयल विद गोल्ड लीव्स और आर्गन ऑयल विद सिल्वर लीव्स। नाउ अगर हम प्राइस की बात करें तो आर्गन ऑयल विद गोल्ड लीव्स जो है वो थोड़ा सा कॉस्टलियर है कंपैरिजन टू आर्गन ऑयल विद सिल्वर लीव्स, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों ही अफोर्डेबल रेंज में आता है। मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देती हूँ। नाउ एग्जैक्ट प्राइस कुछ ऐसा है आज की डेट में, लाइक आर्गन ऑयल विद गोल्ड लीव्स जो है वो अभी 266 का है और आर्गन ऑयल विद सिल्वर लीव्स जो है वो अभी 257 रुपीज़ का है, ठीक है। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हो purple.com में जाके, क्योंकि गुडवाइफ्स जो है वो purple.com का एक्सक्लूसिव ब्रांड है। तो गुडवाइफ्स के प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ purple.com में अवेलेबल मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं परचेज लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन केस अगर आप परचेज करना चाहें तो। अगर हम प्रोडक्ट को देखेंगे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह दिखता है, दिस इज द प्रोडक्ट। हाँ, मेरे पास इसकी पैकेजिंग तो नहीं है क्योंकि ये मैंने 2 months पहले परचेज किया था, सो इसकी पैकेजिंग तो मैंने फेंक दिया है। पर मैं आपको एक डिस्क्राइब कर देती हूँ कि इसकी पैकेजिंग कैसे थी। लाइक ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में था जहाँ पे ये ड्रॉपर जो है वो अलग से दे रखा था उसमें, और यहाँ पे जो है एक कैप लगा हुआ था। तो हम जब उस कैप को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक और नोजल कैप जैसी बनी हुई थी, उसको हम रिमूव करेंगे तो फिर इसके बाद हमें इस ड्रॉपर को इसमें ऐड करना था और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाता हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये है मेरे पास गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीव्स, जिसका नेट वॉल्यूम है 10 ml का इसका नेट वॉल्यूम है। और इसमें जो सारी चीज़ें डिटेलिंग जो है जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स में दे रखी थी वो सारा ही इसकी बॉडी में मेंशन है। लाइक इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन है नवंबर 2018 और इसमें बोला हुआ है कि यूज़ बिफोर अक्टूबर 2020, लाइक 2 years का इसमें शेल्फ लाइफ है। और इसमें बेनिफिट्स भी मेंशन है लाइक फाइट्स साइंस ऑफ एजिंग और रिजुविनेट स्किन और नाइट टाइम मॉइस्चराइजर, मतलब ये आपकी एजिंग से भी डील करता है और आपको एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर देता है नाइट टाइम के लिए और आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, मतलब यूथफुल बनाता है, स्किन सेल्स को ग्रो करता है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि यूज़ करने के लिए कि आप एक कॉटन बॉल में इस प्रोडक्ट की 2 drops ले लीजिए और उसको पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और तब तक के लिए जब तक ये आपके फेस पे कम्प्लीटली अब्जॉर्ब ना हो जाए। नाउ ये कह रहा है कि इसमें की इंग्रेडिएंट्स जो है वो है आर्गन ऑयल, गोल्ड लीफ, विच हेजल, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी। नाउ ये सारी चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज करता है, प्लस ये आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड देन आर्गन ऑयल के बेनिफिट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो लेट्स चेक कि ये कैसा है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये कुछ गोल्डन कलर के इसमें लीव्स हैं। नाउ मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं, जब मैंने इसको ख़रीदा था तो ये इतना ज़्यादा येलो कलर का नहीं था, ये एक पेल येलो कलर का था, बट 2 months में इसका कलर जो है वो डार्क हो गया है। आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और मे बी सनलाइट की वजह से, आई डोंट नो द रीज़न। तो इसमें जो है गोल्ड लीव्स है जो इसके अंदर है, तो जब हम शेक करेंगे तो गोल्ड लीव्स जो है वो सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरीके से है। ना मैं इसको अपने हैंड में टेस्ट कर लूँगी, लाइक इसकी 1 drop अगर मैं इसमें डालती हूँ, सो लेट्स सी कि इसका कैसा फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी ग्रीसी सा नहीं है और बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है और ये बहुत ही प्यार से अब्जॉर्ब हो जा रहा है। नाउ मैं आपको बता दूं कि मेरी स्किन टाइप जो है ड्राई है, तो अगर आप ऑयली स्किन है आपकी,
तो आप एक बार ज़रूर से टेस्ट कर लीजिएगा इसको यूज़ करने से पहले, बिकॉज आई डोंट नो कि ये ऑयली स्किन में कैसा काम करेगा, बट ये क्लेम करता है कि ये स्किन के कौन कौन से कंसर्न इश्यूज़ के साथ डील करता है, लाइक डलनेस से, एंटी एजिंग से और ऑयली स्किन के साथ ये डील करता है। सो आई होप ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी कम्फर्टेबल हो, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी स्किन है तो ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है, आप देख सकते हो डिफरेंस, ये बहुत ही नेचुरल सा एक ग्लो इसमें आ रहा है। आपको मैं दोनों हाथ में दिखा देती हूँ कि आपको डिफरेंस थोड़ा सा लगेगा। नाउ अभी मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा, तो मैं इसको टेस्ट करूँगी अपने फेस पे कि ये फेस पे कैसे वर्क करता है और ये पूरी तरीके से अब्जॉर्ब होता है कि नहीं और ग्रेसी है कि नहीं। सो मैं इसको कॉटन की हेल्प से बिल्कुल अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं कॉटन से अप्लाई करूँगी तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो कॉटन में रह जाएगा, तो मुझे प्रोडक्ट वेस्ट करना एकदम नहीं पसंद है। सो मैं इसको एज अ ड्रॉपर की तरह अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। सबसे पहले इसको शेक करेंगे एंड देन सो मैंने 3 ड्रॉप्स ले लिए इसके, ये बहुत ही रनी इसकी कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हो ये कितना येलो हो चुका है। मैंने इसको पहले यूज़ किया है तो ये ऐसा येलो कलर का इसका बिल्कुल भी नहीं था, आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है। मैं आपको ये बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको बार बार मेंशन कर रही हूँ। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. सो इसको अगर आप एक मसाज की तरह भी यूज़ करोगे, लाइक इसको अप्लाई करने के बाद अगर आप अपने फेस पे थोड़ा मसाज करोगे तो ये भी बहुत ही अच्छा आपके स्किन के लिए होगा, क्योंकि मसाज करने से आपकी जो स्किन सेल्स हैं वो बूस्ट होते हैं। सो मुझे इसको नाइट टाइम में लगाना पसंद है और इसको लगाने के बाद मैं थोड़ा सा मसाज करना पसंद करती हूँ, ताकि जो है मेरे स्किन सेल्स को थोड़ा सा बूस्ट हो जाए और एक एक्सरसाइज हो जाए फेस की। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. सो मैं जब भी इसको अप्लाई करती हूँ मैं 2-3 मिनट अपने फेस में इसको मसाज करती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको छोड़ देती हूँ। आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और 20-30 सेकंड में ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी है, नाउ आप देख सकते हो इसने बहुत ही अच्छा ग्लो आपकी स्किन में आ जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको नाइट टाइम में ही लगाएं, बिकॉज दिन में वैसे भी गर्मी का मौसम है और इसको दिन में लगाने से आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, प्लस आप ऑयल जो है वो सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना यूज़ करें, वही ज़्यादा बेहतर होता है। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप इसको नाइट टाइम के लिए ही लगाएं या फिर जब भी आप घर के अंदर हो तब आप इसको यूज़ करें। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप किसी स्किन केयर प्रोडक्ट को नाइट टाइम में यूज़ करते हो तो वह आपके स्किन में बेहतर तरीके से काम करती है, वजह ही दिन के। आप इस ऑयल को एक नाइट क्रीम के साथ मिला के भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं है। मुझे ये अच्छा लगा प्रोडक्ट, इसको मैं एज अ फाउंडेशन में मिला के भी बहुत बार यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो ये मेरे स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, तो वो जो ड्राई फ्लेक्स होते हैं वो नहीं रहते हैं। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट। आई डोंट नो ये गर्मियों में कितने अच्छे से काम करेगा, ड्राई स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मैं अभी भी इसको यूज़ कर पा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, पर ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि तब ये मेरे स्किन के साथ कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ठंड में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो और जो फेशियल ऑयल होता है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। सो आई होप कि रिव्यू आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ बेल बटन को ज़रूर से हिट कर देना और कमेंट में कुछ लिख देना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। सो गाइस आई होप
हम टच में रहे और आज का रिव्यू बस इतना ही। आई होप ये प्रोडक्ट आपके लिए भी उतने अच्छे से काम किया होगा। यार अगर आपको पता है ना कि इसका कलर क्यों चेंज हो गया तो प्लीज़ लेट मी नो। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।